और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन किया गया। रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वन नेशन और वन इलेक्शन मतलब एक देश एक चुनाव, और इसका सीधा सा मतलब देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही होते थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण ये परंपरा टूट गई। अब सीधा सा सवाल है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू करने के नफा और नुकसान क्या कुछ होने वाले हैं। हालांकि इसे लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, लेफ्ट पार्टी कांग्रेस आमने सामने है, तो वैसी स्थिति में क्या दोनों का कैंपेन लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ हो सकता है? तो कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उसमें फूट डालना, उसमें कंफ्यूजन डालने के लिए भी ये सबसे बड़ा यंत्र है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो अपोजिशन पार्टी जो आज यूनाइटेड दिख रही है वो डिवाइडेड होती दिख रहेंगी। ये सरकार का मकसद है, और साथ ही साथ अपने जो सरकार का अपना मकसद है, प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि एक साथ चुनाव कराकर देश का खर्चा बचाया जाए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का काम रुकता उसको भी तेजी से ले जाया जाए। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ है पिछले 8-9 साल में, उस काम को और तेजी से ले जाना है। तो अगर चुनाव की चीजें रोकती नहीं है, हर 6 महीने पर चुनाव वाली बात नहीं रुकती है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देश और तेजी से बढ़ेगा, देश को इकोनॉमिकली आगे ले जाना है, सरकार का जो अपना थीम है। तो कहीं ना कहीं उसी एजेंडे के तहत सरकार काम कर रही है, और विपक्ष को देखना पड़ेगा अब विपक्ष क्या लाइन लेता है। कल तक अर्ली इलेक्शन को लेकर विपक्ष की चिंता थी, अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राहुल गांधी डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स तो कह रहे थे, लेकिन खाली इतने कहने से काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कैसे इस बिल को आप रोक सकें लोकसभा में, कैसे इस बिल को रोक सके आप राज्यसभा में, तो 2/3 बहुमत पास होने के लिए तो आपको रोकने की स्थिति बनानी पड़ेगी। अगर ये पास होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो दिसंबर में हो चाहे वो मार्च अप्रैल में हो। तो देखिए, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है मुंबई में, और ऐसे में दूसरी तरफ यह ऐलान कर दिया गया है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, और ऐसे में विपक्षी दलों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तक उनके वो असमंजस में थे कि चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव को जल्दी करवाया जा सकता है, उसके तहत जल्दी जल्दी से जो है तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति चुनाव को लेकर तैयार कर रही थी। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ा ऐलान हो गया है, तो इससे विपक्षी गठबंधन जो है वो भड़क गया है, और राजनीतिक गलियारों में इस ऐलान के बाद चर्चाएं काफी हो रही हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वजह है कि इस दौरान मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव बिल लेकर आ सकती है। संसद का विशेष सत्र बुलाने के इस फैसले से विपक्ष पूरी तरह से भड़क गया है। लेकिन एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब आपको बता दें कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे खर्चा बचने की बात भी सामने आएगी कि वक्त भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा, और डेवलपमेंट में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर काफी सारी प्रतिक्रियाएं भी अब निकलकर धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। विपक्ष क्या कुछ रुख अपनाएगा, विपक्ष किस तरीके से हमलावर नजर आएगा बीजेपी सरकार पर, वो देखने वाली बात होगी। और इसके नुकसान क्या होंगे अगर ये बिल पास हो जाता है, एक देश एक चुनाव, तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, इन सब के ऊपर भी बहस लगातार देखने को मिलेगी। अब तो एक बार एक नया मुद्दा फिर से उठ गया है राजनीति में, और अब ये मुद्दा काफी अहम है क्योंकि चुनाव नजदीक है, सभी तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, रणनीतियां सभी पार्टियां बनाने में जुटी हुई हैं, और ऐसे में एक देश एक चुनाव अगर ये बिल पास होता है तो काफी कुछ देश की राजधानी राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और अब देखना होगा कि यह बिल पास होता है या नहीं, और विपक्ष कितना हमलावर इस पे होता है, क्या कुछ विपक्ष अब करेगा, क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आएंगी, और अब सिलसिला शुरू होगा आरोप प्रत्यारोप का भी, प्रतिक्रियाओं का भी, और लगातार बयानबाजी भी इस पूरे मामले में देखने को मिलेगी। एक देश एक चुनाव यानी कि अब देश में सारे चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे अगर ये बिल पास हो जाता है तो। ऐसे में जितनी रैलियां चुनाव के दौरान निकाली जाती हैं, जितनी सभाएं चुनाव के दौरान कराई जाती हैं, वो आधी से भी आधी अब हो जाएंगी।